उनको जानकारी है कि इस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के अंदर कौन से लूप यूज किए गए हैं कौन सी क्लासेस यूज की गई है सो उन्हें इंटरनल कोड स्ट्रक्चर की जानकारी होती है फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्यूटोरियल्स निंजा डॉट कॉम वेबसाइट की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है और वी कैन से अगर आपको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करनी है सो so, डेवलपर्स टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे ऑन द कोड जो कोड इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए लिखा गया है अगर उस कोड की टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो उस टेस्टिंग को बोला जाता है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को अदर नेम से भी जाना जाता है द फर्स्ट वन इज द बॉक्स टेस्टिंग द सेकेंड वन इज द क्लियर बॉक्स टेस्टिंग को क्लियर बॉक्स टेस्टिंग इसलिए बोला जाता है कि इस टेस्टिंग के अंदर जो कोड आपका लिखा गया वो clearly visible है वो क्लियरली विजिबल है डेवलपर को ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग द तीसरा नाम है इसका देन स्ट्रक्चरल बेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कोड बेस्ड टेस्टिंग ओपन बॉक्स टेस्टिंग कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग सो दीज आर द अदर नेम ऑफ ऑफ ग्लास बॉक्स टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर चार लेवल पाए जाते हैं द नंबर वन इज द यूनिट टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग द सेकेंड इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग द थर्ड वन इज द सिस्टम टेस्टिंग एंड द फोर्थ वन इज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग So, जो पहले के दो लेवल हैं दैट इज द यूनिट टेस्टिंग एंड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये टेस्टिंग टाइप या टेस्टिंग लेवल कवर होते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्टिंग के अंदर भी जो टेस्टिंग परफॉर्म, परफॉर्म की जाती है डेवलपर के द्वारा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म की जाती है डेवलपर्स के द्वारा इन दोनों लेवल में लेवल में डेवलपर को जानकारी है इंटरनल कोड स्ट्रक्चर की इस वजह से ये दोनों लेवल कवर होते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अपोजिट होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे सो so, इस वीडियो में हमने कवर किया इज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है सो हम अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे लिंक इन में मैसेज कर सकते हैं मैं डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ